हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आरआरबी एएलपी की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक न्यू अपडेट है और ये एक एस्पिरेंट्स के हिसाब से, एक स्टूडेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी अपडेट है। दोस्तों आरआरबी एएलपी की वैकेंसीज बढ़ा दी गई। कंचनजंगा के दुखद हादसे के बाद दोस्तों आरआरबी एएलपी की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बढ़ा दी गई है। रेलवे के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिस आया है, देख सकते हैं। सब्जेक्ट इन्हेंसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ एएलपी नोटिफाइड वाइड वाया सीईएन नंबर 01/2024 एडिशनल डिमांड रिसीट फॉर फ्रॉम जोनल रेलवेज। यहाँ पर जो एएलपी की वैकेंसीज थी दोस्तों वो बढ़ा दी गई है। जैसे देखिए हर जोन से, जैसे सेंट्रल रेलवे में पहले 535 वैकेंसियाँ थी, अब 1783 है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे पहले 76 थी, अभी 76 है। ईस्ट कोस्ट रेलवे 479 थी, 1595। इसी तरह सभी जोनों में एएलपी की वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं और एक ऐसा माना जा रहा है कि कंचनजंगा के हादसे के बाद से ये वैकेंसीज बढ़ा दी गई। पहले 5696 वैकेंसी है, अब बढ़कर 18799 वैकेंसीज यहाँ पर हो गई हैं। तो कैंडिडेट के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वैकेंसी 5696 वैकेंसीज बहुत कम थी, अब 18799 वैकेंसीज यहाँ पर टोटल एएलपी की हो गई। आज के न्यूज़पेपर में प्रमुखता से ये छापी गई है। और देखो, देखिए दोस्तों होगा क्या, अब ये फॉर्म फिर से रीओपन होगा और आप सभी लोग को जोन वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एक वीक के लिए फॉर्म रीओपन होगा। चलिए न्यूज़पेपर में भी क्या निकला उसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले से कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने किया आदेश, रेलवे में 18799 लोगों को पायलट की भर्ती होगी। यहाँ पर दिखाया गया कि भाई रेलवे के इस फैसले से ओवर ड्यूटी कर रहे ड्राइवरों का बोझ कम होगा और मानवीय चूक से होने वाले हादसों में भी कमी आएगी। 15 दिसंबर 2023 को 5696 लोको पायलट की पदों पर भर्ती पहले दी गई थी, लेकिन 16 जोनल रेलवे से एएलपी के अतिरिक्त भर्ती की मांगें की जा रही थी, इसलिए अब टोटल भर्ती मतलब 5696 भी 18799 में ऐड है। तो 5696 की जो भर्ती थी उसे बढ़ाकर 18799 कर दिया गया है। यहाँ पर विदित हो कि रेलवे में लंबे समय से ड्राइवर की पद रिक्त चलने, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने ड्राइवर की ट्रेन चलाने की ड्यूटी 9 घंटे निर्धारित की, लेकिन कमी के चलते 31% से अधिक ड्राइवर 10 से 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और इनमें से 8% ड्राइवर 12 घंटे से 16 घंटे से अधिक समय तक ट्रेन चला रहे। तो आप समझ सकते हैं कि लोको पायलट पर कितना लोड था। फाइनली दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हो गई हैं। अभी भी दोस्तों रेलवे में सुरक्षा वर्ग में, सेफ्टी वर्ग में 1.52 लाख पद वैकेंट है और आरटीआई के तहत एक आवेदन में जो है रेलवे ने आदेश भी दिया था, जवाब भी दिया था कि भाई इतने पद रिक्त है। तो यूनियन ने कहा है कि यहाँ पर रेलवे जो यूनियन है ना, उन्होंने कहा है कि भाई दुर्घटनाएं जो है कर्मियों की कमी के कारण हो रही, चूँकि कार्मिक जो है रेलवे में बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो। तो इसी वजह से जो लोग हैं काम करते हैं उनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो होपफुली दोस्तों आगे भी पदों पर जो भी पोस्टें हैं उन पर विचार किया जाएगा, उनकी भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इंक्रीज़ की जाएगी। अभी कल के दिन मैंने सभी लोगों को बता दिया कि किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी चाहिए की आने वाली है। तो आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा मौका है अपना सुनहरा भविष्य रेलवे के साथ बिताने का। तो और कोई भी डाउट हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें मैसेजेस कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है। तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक ज्वाइन करके फास्ट अपडेट आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट।